रामू काका भगवान को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या करना चाहते हैं विवान के साथ? ए, आजा जा विवान, थोड़ा पास आ जा ताकि मैं यहाँ से खुजली पाउडर तुम्हारे पर छिड़क सकूं, फिर तू नाचेगा। तो ये रामू काका विवान पर खुजली वाला पाउडर डालना चाहते हैं, ऐसा करेगा मेरे भाई के साथ? नहीं, मैं रामू काका को क्यों रोकूं? अगर वो विवान पर खुजली का पाउडर डालेंगे तो विवान प्रॉब्लम में फंसेगा, और ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, जिससे कुछ टाइम के लिए मुझे मेरी शक्ति वापस मिल जाएगी। हाँ रामू काका, आप डालिए विवान पे खुजली का पाउडर, लेकिन ठीक से डालना, अगर कोई गलती की तो रे नहीं मैं मारूंगा। आज तो मैं अपना नाम रोशन करके रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं अपना दाव खेल कर रहूंगा। चलो अच्छा है, रे इशारा करके इसे रोक रहा है, लेकिन ये बुद्धू समझ ही नहीं रहा। कैंसर क्या है? रुकना नहीं रामू काका, रुकना नहीं। ठीक है, अब मैं छुपके से नहीं सामने जाकर फिसलने का नाटक करूंगा, और ये पाउडर विमान पर छिड़कूंगा, देख। इस प्रिकंसा को विवान के सामने तो मैजिक भी नहीं कर सकता मैं। मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है छोटे। धक्का किसने दिया? अपनी आंखों से ही देख लो। ये मुझे चश्मा किसने पहनाया? मैं तो सलमान भाई से सीधा रजनीकांत बन गया। अरे विवान, मैं यहाँ पर हूँ, देखो तो सही। विवान क्या भगवान जी, स्विच ऑन करने में इतना समय लगाया और आप फट से कर दिया। अरे अलार्म तो बजाइए ताकि मुझे पता चले। कोई बात नहीं, विवान ने चश्मा तो मैंने लिया है, तो मैं उसके सामने चला जाता हूँ। है दिल से बुलाया, बालवीर आया। और तुम क्या कहते हो, अब स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे विवान, इतना फीका स्वागत? अरे मैं हूँ तुम्हारा भाई, क्या हुआ विवान? हा? ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये सच था या कोई जादू? अरे जो भी हो, पता तो लगाना ही पड़ेगा। अरे विवान, विवान, अरे विवान रुको तो सही, सुनो विवान, को इस चश्मे से मैं दिखा क्यों नहीं? जरूर रे ने जादू किया है उस चश्मे पर, लेकिन अब विवान को मैं दिखूंगा कैसे? कैसे बताऊंगा उसे रे का सच? जिस काल जल में ही तुम्हारी समाधि बनाऊंगा। परी को जल्दी, परियो परियो जल्दी कीजिए। जल्दी चलिए।
से परियो। ध्वनि परी, परी। पानी परी बचाइए। ध्वनि परी कोशिश कीजिए ऊपर आने की, मेरा हाथ छूट रहा है। पानी परी हाथ मत छोड़ेगा ध्वनि परी। पानी परी आप ध्वनि परी को संभालिए, मैं इस बहमार को देखती हूँ। ध्वनि परी कोशिश कीजिए ऊपर आने की। शाबाश ध्वनि परी। संभाली परियो, चलिए। हाय मार के वार से बच के जाओगी तुम परियो, ये सोच के बहुत बड़ी गलती की तुम। खुजली, अरे मिट जा खुजली, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो क्या तुम्हें, अरे कितनी बार इशारा किया था कि मत करो मत करो, लेकिन तुम्हें तो हीरो बनना था। अब लटके रहो यहीं पे। वो तो आज ऐन मौके पे तुमने बिगड़ी बना ली, वरना विवान वो चश्मा पहनकर बालवीर को पहचान ही लेता। बिरबा बोलो रे, इस ब्रिगेंसा को रोकना तो मुश्किल है। एक काम करो, तुम मिस्टर बी के स्मारक के पास जाओ। इस चश्मे में मिस्टर बी की पावर के अंश है, अगर वो अंश इसमें से निकल जाए तो चश्मा किसी काम का नहीं बचेगा। और मेरी ट्रिक काम कर गई, और ये ट्रिक अब हमारे आगे भी काम आएगी। हमें अब बिल्कुल वैसा ही दूसरा चश्मा वापस बनाना होगा। बैठ लेडी बिरबा। पता नहीं हम इस बात से खुश होएं कि हमने भैमार से बालवीर के शरीर को बचा लिया है, या फिर इस बात पे दुखी होएं कि दोनों बालवीर और अनन्या अभी तक भूतकाल में हैं। और मुश्किल तो इस बात की है कि हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे हैं, और क्या वो कभी वर्तमान में वापस आ भी पाएंगे हमारे साथ कि नहीं। बालवीर के शरीर को हमने बचा तो लिया है, इस बात की खुशी मनाने का समय अभी नहीं आया है परियो। वो देखो परियो, पिमनासा नहीं, भैरानी पिमनासा। भूल गए तुम लोग शायद कि तिमनासा बुराई का वो काला सूरज है जो कभी नहीं डूबता, जिसके सामने अंधेरा भी छुप कर नहीं निकल सकता। तो तुम लोग तो सिर्फ रंग बिरंगी तितलियां हो, तुम लोग कैसे मेरे सामने बच कर निकलोगे? हाँ
ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्या स्पेशल है इस चश्मे में? कोई ये चश्मा क्यों पहनाएगा तुम्हें? वही तो नहीं पता, क्योंकि ये चश्मा मेरा नहीं, खुशी दीदी का है। अरे ये चश्मा खुशी दीदी का नहीं, रे का है। मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम मुझे देख सको, लेकिन अब ये चश्मे पे रहने को जादू कर दिया इसलिए तुम मुझे देख भी नहीं सकते। मेरा तो बुरा टाइम भी खराब चल रहा है। दीदी अब बस 15 मिनट बाकी है और उसके बाद हमें उस मैजिकल जेल से ये पता चल जाएगा कि मुझे चश्मा पहनाने वाला हमारा अनजाना दोस्त कौन है। अरे वाह 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 वाह, तो चलो मेहमान चलो जल्दी जाओ। आज जहां देखोगी वहां मैं ही नजर आऊंगा और मेरे हाथों में नजर आएगा तुम्हारी मौत का सामान। आज बालवीरों के साथ परिया भी खत्म। कल चोर धमाके और हमारा ध्वज डूब जाएगा, हम सब कालजल में जाके गिर जाएंगे। क्या करें हम, कैसे रोके बीमार को? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। बस कुछ समय और सांस ले लो, उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मैं सुनाऊंगी। नए चश्मे का फ्रेम तो तैयार हो चुका है, अब बस इस चश्मे के लेंस के साथ मिस्टर बी के पावर एलिमेंट को ऐड करना है। उसके बाद मैं फिर से बालवीर की स्पीड को देख भी पाऊंगा, सुन भी पाऊंगा और उसे टच भी कर पाऊंगा, और उसके अगले कदम से पहले अपनी चाल चल दूंगा। आइए मिस्टर बी और अपने पावर एलिमेंट से इस चश्मे को ब्लेस कीजिए। अब देखते हैं बालवीर किसमें कितना है दाम। दीदी मेमोरी जेल का टाइम खत्म हो गया है, अब हम चेक कर सकते हैं कि कौन है हमारा इनविजिबल फ्रेंड। तो चलो इंतजार किस बात का है। अगले 5 मिनट तक हमें विवान को मेमोरी जेल यूज करने से रोकना होगा ताकि दोनों बालवीर और अनन्या उसमें बिजी हो जाए और मैं अकेला ही टोर्नेडो के पोर्टल से वापस शिप तक पहुंच जाऊं। फिर हम होंगे प्रेजेंट में और बेचारे दोनों बालवीर और अनन्या हमेशा के लिए पास में अटक जाएंगे। जरूर रे विवान को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले मुझे रे को रोकना होगा, पर कैसे? वाह, इस बार विलन खुद हीरो के काम आ गया। अब तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारा प्लान खराब करने में। इस बार हिट विकेट हो गए तुम रे। Thank you.
देवू भैया, देवू भैया। हाँ विवान, मैं अपने आत्मा वाले रूप में। आत्मा वाले रूप में? हाँ, क्योंकि मेरा शरीर उस जहाज पर है और अब हमें वहीं पर जाना है। रुक जाओ मेहमान, रुक जाओ। हम समर्पण करते हैं। ये क्या कह रही हो ध्वनि परी? हम बुराई के आगे घुटने कैसे टेक सकते हैं? विवान, हमारे पास समय कम है, जाओ। मेरा विश्वास है कि अनन्या विवान और बालवीर जरूर लौटेंगे। तब तक हमें सिर्फ कुछ समय चुराना होगा स्तिमनासा और भीमार से, ताकि हम बालवीर के शरीर को बचा कर रख सकें। देखा भाई, मार का भाई करवा दिया ना इन परियों से आत्मसमर्पण। अब बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तिमनासा की नजर में पहले भी दुश्मनों के लिए एक ही सजा थी और आज भी एक ही सजा है, मौत। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जल्दी लौट कर आओ मालवीर। जल्दी आओ मालवीर। बालवीर आया, मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है तिमनासा, हर सामने खड़ी है फिर भी मुस्कुरा रही। मुस्कुराएंगे तो हम बड़े भैया, क्योंकि भले ही 50% जिंदा हो टिमियांड, पर अंत 100% करेंगे हम इनका। वैसे एक बात मुझे भी तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हारा इतना छोटा समूह और बातें इतनी बड़ी बड़ी। काम भी बड़े बड़े कर लेता हूँ मैं तिमनासा। हार के दरवाजे पर खड़े होकर जीत के ढोल बजाना अच्छा नहीं होता। और जीत से पहले भी जीत का जश्न नहीं मनाया करते तिमनासा। चलो अच्छा है, अपने आन समय पर मेरा नाम ले लिया, माफ कर देता हूं मैं तुम दोनों को, लेकिन जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी। अब ये जहाज भी डूबेगा और इसके साथ तुम सब काल चक्र में फंस जाओगे।
तिमनासा? भैया भैया हमने तो उसके अंदर को नष्ट कर दिया था, तो फिर ये सब कैसे? जब तक तुम मेरा यंत्र नष्ट करते तब तक मेरी आत्मा नया स्वरूप ले चुकी थी। अब पता चला कि मैं अपने अंत पर नहीं बल्कि तुम्हारी हार पर हंस रही थी। पिछली बार तुम दोनों की शक्तियों की वजह से मेरा अंत हुआ था, और आज तुम दोनों की शक्तियों की वजह से मैं जीवित हुई हूँ। अब हुआ हिसाब बराबर बालवीर। लौट आई है तिमनासा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.